हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। गाइस, आप लोग को पता होगा दोस्तों, असम की तरफ से असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, आप लोग को तो बहुत सारा वेबसाइट लॉन्च किया है। तो आप लोग को आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ एप्लीकेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से एंड्रॉइड मोबाइल फोन से आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, ऐसे बनाने प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट आज की इस वीडियो में अप्लाई प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, इसलिए आप लोग को वीडियो स्किप ना करें, आप लोग को अंत तक देखते रहना और बने रहना। गाइस, यहाँ पर व्हाट इज माइनॉरिटीज कम्युनिटी, मतलब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके बताना चाहूंगा। बहुत सारा पता होगा दोस्तों कहते थे, अगर नहीं पता है तो आप लोग को ये वीडियो देख लेना। तो गाइस, यहाँ पर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, आप लोग को यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या बता सकते, एप्लीकेंट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ पर सिर्फ भारत के नागरिक अप्लाई कर सकते हैं। उसका साथ साथ सी है, सी ही शुड बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ असम, मतलब सिर्फ ये असम कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हो। माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट का मतलब होता है आपका धर्मों का जाति क्या है, मतलब कौन कौन ये धर्मों का जाति अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, मुस्लिम अप्लाई कर सकते हो, क्रिश्चियन बना सकते हैं, और सिख, बुद्धिस्ट, जोरोस्ट्रियंस, पेरिस, जेन्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर नोटिफाइड, मतलब जो जो यहाँ पर मैंने बताया वो लोग कैंडिडेट है ये माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और अदर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, अदर कैंडिडेट माइनॉरिटी अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को साफ साफ बताना चाहूंगा। तो गाइस, ये आप लोग को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट ये हर कैंडिडेट का ये जरूरी है, ये आपके पास होना जरूरी है। आप लोग को पता है दोस्तों, आजकल तो पता है दोस्तों गवर्नमेंट में हर तरफ से आप लोग को गवर्नमेंट में लॉन्च किया जाते, तो इसलिए आप लोग को अभी से बनाने से भी आपके लिए फायदा होगा। गाइस, तो गाइस कैसे अप्लाई करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोग को आज की इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी बताया कौन कौन जाति धर्म अप्लाई कर सकते हैं ये कम्युनिटी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, आप लोग को पता है दोस्तों। तो अप्लाई करने के लिए ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। गाइस, जैसे लिंक बटन पर क्लिक करते गाइस इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगी, तो पहले यहाँ पर अप्लाई बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। गाइस, जैसे अप्लाई बटन पर क्लिक करते गाइस, अभी तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप लोगों को सिंपली से क्या करना गाइस, सिंपली से यहाँ पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना। गाइस, जैसे लॉगिन रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करते ये ई परिवहन वेबसाइट अभी तक रजिस्टर नहीं किया, तो न्यू रजिस्ट्रेशन करके आप लोग को न्यू यूजर करके यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करके रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो चलो गाइस, मेरा तो ऑलरेडी मेरा न्यू यूजर है, तो चलो मैं फटाक से लॉगिन कर लेता हूँ। तो गाइस, अप्लाई लॉगिन करते ही गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से इंटरफेस देने को मिलेगा, अदरवाइज आप लोग को भी सर्च कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटी सर्टिफिकेट बटन पर सर्च कर सकते हो। गाइस, यहाँ पर क्या बताया गया, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब आपका आधार कार्ड के आपका आधार कार्ड के नाम कैसे लिखा है, सेम इसी तरफ आपका नाम जैसे आधार कार्ड में लिखा है सेम इसी तरफ यहाँ पर आपका कैंडिडेट का फुल नेम डाल देना, उसके बाद यहाँ पर फादर नेम डाल देना। गाइस, सो गाइस, उसका बाद यहाँ पर आपका मदर नेम फुल नेम डाल देना, आपका डॉक्यूमेंट हिसाब से यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, मैंने ब्लर करके रखा है। उसका बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालना चाहते तो डाल सकते, अदरवाइज और भी सकते, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है क्योंकि स्थानमा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना, यहाँ पर एज ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर क्या है, मेल एंड फीमेल, आपको भी आपको हिसाब से डाल देना। उसके बाद यहाँ पर आपका कम्युनिटी, मतलब आपका धर्म जाति क्या है, मैंने बताया गया है कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम अप्लाई कर सकते हैं, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जोरोस्ट्रियंस, पारसी अप्लाई कर सकते हैं, और जैन लोग धर्म अप्लाई कर सकते हो। तो जो भी आपका धर्म जाति है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा गाइस। और गाइस, यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस बनना होगा, यहाँ पर आपका हाउस नंबर डाल देना, अगर आपके पास हाउस नंबर है तो अदरवाइज सॉर्व भी सकते हो। उसके बाद यहाँ पर स्ट्रीट डाल देना, उसके बाद आपका विलेज टाउन डाल देना, उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस का नाम डाल देना, उसके बाद आपका एरिया का पोस्ट ऑफिस का पिन कोड नंबर 6 डिजिट होता है वो आप इस पर डाल देना। उसके बाद स्टेट ऑटोमेटिकली असम आएगा। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना होगा, असम में जितना डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर देने को मिलेगा। तो चलो मेरा करीमगंज, मैंने करीमगंज सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका सर्कुल देने को मिलेगा, आपका सर्कुल क्या है तो यहाँ पर देने को मिलेगा। तो चलो मेरा पाथरकांदी है, पाथरकांदी मैंने सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका पुलिस स्टेशन का नाम इस पर डाल देना, आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो सिंपली इस पर टिक कर देना, ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप लोग को सारी फिलअप हो जाएगा, अदरवाइज नो करके अलग अलग सबको फिलअप करना होगा। सारी फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट साइज यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जेपीजी ऑनली, यहाँ पर मैक्सिमम आप लोग को 200 KB के बीच में अपलोड करना होगा, इसमें साफ साफ बताया गया है। और यहाँ पर एज प्रूफ ऑनली जेपीजी एंड पीडीएफ, मैक्सिमम 1 MB अपलोड कर सकते हो। अदर डॉक्यूमेंट आप लोग को सिर्फ आप लोग को 200 KB मैक्सिमम जेपीजी फाइल अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आईडी प्रूफ, मतलब जो भी आईडी प्रूफ यहाँ पर आप लोग को सिलेक्ट कर सको, मैंने पहले आपका आधार कार्ड के नाम हिसाब से इनमें बताया है, तो आपको आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करते ही गाइस यहाँ पर आपका आधार कार्ड अपलोड करना होगा। और यहाँ पर देख सकते हो सिलेक्ट एड्रेस प्रूफ, मतलब यहाँ पर आप लोग को जो भी देने को मिलेगा, फिर से आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हो कर सकते हो, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस देने को मिलेगा, और यहाँ पर देने को मिलेगा बैंक पासबुक और भी ड्राइविंग लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हो। जो भी आपके पास आएगा तो आपको भी आपको सबसे सेलेक्ट कर लेना।
उसके बाद यहाँ पर एज प्रूफ, यहाँ पर आपका एज प्रूफ देने को मिलेगा। सिंपली से एज प्रूफ बटन पर क्लिक करते गाइस यहाँ पर आपका आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते, अदरवाइज आपका बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई अपलोड कर सकते, अदरवाइज यहाँ पर क्लास 10 का एडमिट कार्ड भी अपलोड कर सकते, उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते। जो भी इसमें से आप लोग को जो भी एक है आपको सिलेक्ट कर लेना गाइस। तो चलो फिर से मैं आधार कार्ड मैंने सेलेक्ट कर दिया गाइस। उसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज डॉक्यूमेंट, मतलब आपका पासपोर्ट फोटो साइज आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, इसमें पासपोर्ट ऑटोमेटिकली रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर करके भी अपलोड कर सकते हो आपका डॉक्यूमेंट पासपोर्ट साथ, अगर यहाँ पर अपलोड करना चाहते हो कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर सिंपल से कैप्चर बटन पर क्लिक करके जो भी है इस तरफ से आप लोग को कैमरा अलाउ करके अभी अपलोड करना चाहते तो कर सकते हो, इसमें आपका मर्जी है। सो गाइस इस तरफ से यहाँ पर क्या बताया गया, यहाँ पर आप लोग को कैप्चर फोटो बटन पर सिंपली से क्लिक करके इस तरफ से आप लोग को अगर अलाउ है तो कैप्चर इस तरफ से आप लोग फोटो अपलोड कर सकते हो। तो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है मैं आप लोग को आगे बताता हूँ गाइस। सो गाइस डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, सिंपली से जैसे कि ये पासपोर्ट साइज में फोटो अपलोड करना चाहता हूँ, सिंपली से इस पर ब्रश अपलोड बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस, और जहाँ पे आपका फोटो साइज बना के रखा है तो आपको भी आपको हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो चलो गाइस मेरा हिसाब से मेरा फोटो मैं फटक से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ गाइस। जैसे कि मेरा फोटो, ये मेरा फोटो मैं अपलोड करना चाहता हूँ गाइस, जो भी आपका फोटो अपलोड करना चाहते हो तो गाइस आप सिलेक्ट कर लेना गाइस। देख सकते हो फाइनली, देख सकते हो फाइनली मेरा फोटो अपलोडेड हो चुका है। तो गाइस इस तरफ से आएगा अपलोड कर लेना गाइस। तो उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आप लोग को सिंपली से क्या करना गाइस, देख सकते हो फाइनली अपलोडेड हो चुका है। सेम इसी तरफ जितना डॉक्यूमेंट यहाँ पर जैसे कि मैं आधार कार्ड अपलोड करना चाहता हूँ गाइस, इस तरफ से जितना आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो वन बाय वन करके सारी अपलोड कर सकते हो गाइस। तो चलो गाइस आपको भी आपको हिसाब से सारी डॉक्यूमेंट इस तरफ से वन बाय वन करके सारी अपलोड कर लेना। तो चलो मैं फटक से सारी अपलोड कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने सारी मैंने अपलोड कर दिया गाइस, फोटो सिग्नेचर सारी मैंने अपलोड कर दिया गाइस। देख सकते हो सारी अपलोड करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे तो गाइस देख सकते हो आर यू श्योर वंस यू सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू, इसमें बताया गया अगर एक बार सबमिट करोगे तो दो बार से आपको कैरेक्शन ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें साफ साफ बताया गया। तो अच्छा से देखने के बाद आप लोग को सबमिट कर लेना। तो चलो गाइस मैं फटाफट अच्छा से देख लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो फाइनली मैंने अच्छा से देख लिया पूरा सही, अगर एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो। तो चलो गाइस सिंपली से सेव एंड नेक्स्ट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना, उसके बाद यस बटन पर क्लिक कर लेना गाइस। जैसे यस बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को फिर से नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। तो गाइस जैसे इस बटन पर क्लिक करते गाइस इस तरफ से आप लोग को प्रीव्यू ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर गाइस देख सकते हो प्रिंट बटन पर सिंपली से क्लिक कर सकते हो। अगर एडिट भी करना चाहते हो तो अभी भी एडिट कर सकते हो एडिट बटन पर क्लिक करके। सिंपली से प्रिंट बटन पर पहले आप लोग को प्रिंट कर लेना, ये प्रिंट आउट रख लेना, और जहाँ पे आपको सेव करना चाहते हो तो गाइस ये आपको सेव कर लेना पहले आप लोग को ये नेक्स्ट पेमेंट करने से पहले। तो चलो मैं फटक से मैं पहले मैं प्रिंट आउट मैं ले लेता हूँ। तो गाइस देख सकते हो फाइनली जहाँ पे आप सेव करना चाहते हो तो सेव कर लेना गाइस। उसके बाद सिंपली से मेक पेमेंट बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना गाइस। जैसे मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करते वो प्रोसेस बटन पर सिंपली से क्लिक कर लेना, और जितना आप एलिजिबल हो पेमेंट के लिए आप पेमेंट कर लेना। तो गाइस इस तरफ से आप लोग को कम्युनिटी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हो, आप घर बैठे बैठे असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो आप लोग को पेमेंट कैसे करना है आप लोग को, इसमें आप लोग को ऑनलाइन माध्यम से इंस्टेंट आप लोग को पेमेंट करना होगा। तो गाइस इस तरफ से आप लोग को पेमेंट आपको भी आपको सबसे पेमेंट कर लेना। तो चलो मेरा हिसाब से मैं पेमेंट कर दूंगा गाइस। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना। इसी तरफ हेल्पफुल वीडियो ऑल इंडिया गवर्नमेंट के जॉब रिलेटेड और इसी तरफ हेल्पफुल वीडियो इस चैनल में आप लोग को देने को भी मिलता रहेगा, पूछता रहेगा। चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना बोले और लाइक करना ना बोले। तो गाइस आपको भी आपको हिसाब से पेमेंट कर लेना, यहाँ पर सारी आप लोग को हो जाएगा किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोग को इंटरनेट बैंकिंग में पेमेंट आप लोग को हिसाब से पेमेंट कर लेना। यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करना चाहते हो तो सेलेक्ट कर सकते हो। बैंक सिलेक्शन यहाँ पर सिंपली से क्लिक कर लेना, बैंक नेम आप लोग को यस बैंक सिलेक्ट कर लेना, और उसके बाद सिंपली से एग्री बटन पर क्लिक करके जो भी आपको पेमेंट कर लेना, उसके बाद प्रोसेस फॉर पेमेंट बटन पर क्लिक करके आपको भी आपको हिसाब से पेमेंट कर लेना। तो चलो गाइस वीडियो कैसा अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा चैनल सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूल और लाइक करना ना भूल। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कम्युनिटी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इस चैनल में मैं आपको सारी प्रोवाइड कर लूंगा। तो चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।